तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो आगे का टॉपिक होने वाला है कि जो हम आगे के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारा अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो चार्जिंग के ऊपर पूरा मैंने टॉपिक दिया हुआ था कि चार्जिंग के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे उसका तरीका हम लोग सीख रहे थे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ये स्पीकर रिंगर माइक। यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर यदि स्पीकर रिंगर माइक की प्रॉब्लम आती है, तो स्पीकर रिंगर माइक की समस्या को कैसे रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में टॉपिक आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, जिसमें पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, MMC प्रोग्रामिंग है, या रिपेयरिंग से संबंधित पूरा आपको चिप लेवल का पूरा फुल ट्रेनिंग आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक ऊपर चलते हैं कि हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीखते हैं स्पीकर रिंगर माइक की समस्या को कैसे रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग एक एक करके सीखेंगे, पूरा डिटेल में सीखेंगे कि कैसे हमारे मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर काम नहीं करता। और अच्छा, इस प्रॉब्लम को हम लोग बोर्नियो सिमेटिक से भी कैसे फाइंड करेंगे या उसके माध्यम से भी कैसे प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग पहला टॉपिक हम लोग जो सीखने वाले हैं वो स्पीकर के बारे में। जैसे आपके पास ये मोबाइल फोन होता है, इस मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर माइक का जो कनेक्शन होता है वो तुम्हारा पावर आईसी से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? पावर आईसी से होता है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, हम लोग स्पीकर रिंगर माइक के बारे में पहले स्पीकर रिंगर के बारे में सीखेंगे, रिंगर के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग माइक के बारे में सीखेंगे। तो एक एक करके पूरा डिटेल से हम लोग सीखेंगे। तो स्पीकर रिंगर माइक का कनेक्शन पावर आईसी से होता है। इसके लिए कंपनी ऐसे ट्रैक लगा होता है, इस ट्रैक में कंपनी एक क्वाइल लगाती है, क्वाइल के बाद एक कैपेसिटर भी लगा होता है, सप्लाई आपकी आगे जाती है और स्पीकर के पॉइंट से जाकर के कनेक्ट हो जाती है। स्पीकर में ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आवाज साउंड निकलता है। उसके बाद फिर आपका दूसरा ट्रैक होता है, दूसरे ट्रैक में भी सेम इसी तरीके से कॉइल लगी होती है, कैपेसिटर लगा होता है, ये सप्लाई आपके चली जाती है स्पीकर के पॉइंट पे। दो पॉइंट का स्पीकर होता है। दूसरी बात क्या होता है, इन्हीं स्पीकर के पॉइंट में कई बार ऐसा होता है बीच में एक कैपेसिटर कंपनी लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग कैपेसिटर। अगर आप देखेंगे तो आपके मोबाइल फोन में ये जो लगी होती हैं, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कॉइल है, ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और ये आपका दिया हुआ स्पीकर। ये कौन सा स्पीकर है? ईयर स्पीकर, यानी कान वाला स्पीकर जो बात करने में हमारी सुनाई देता है। जैसे ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन आया, इस मोबाइल फ़ोन में स्पीकर नहीं काम कर रहा, बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे इसके बारे में आपको पूरा सर्किट मैंने समझाया। यदि आपके पास बात करने वाला स्पीकर नहीं काम करता, तो सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन खोलें। मोबाइल फ़ोन खोलने से पहले आप उसका वॉल्यूम सेटिंग चेक करें। आप मोबाइल फ़ोन में आवाज़ को बढ़ा के देखें, ऐसा नहीं कहीं वॉल्यूम किसी ने बंद कर दिया हो। कैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में मैंने मोबाइल फ़ोन के लिया, हमने मोबाइल फ़ोन में 198 हमने ऐसे कॉल मिलाया। कॉल मिलाने के बाद फिर हम आवाज़ को बढ़ा देंगे, ऐसे देखिए, ये आवाज़ घटा दिया, ये आवाज़ को बढ़ा दिया, कम हो गई, ज़्यादा हो गई। जैसे करेंगे तो आपकी आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? हाँ, तो ऐसे आवाज़ सुनाई देती है। तो आवाज़ सुनाई देने का मतलब क्या है, ये ऊपर वाला स्पीकर हमारा काम करता है। तो जब ऊपर वाला स्पीकर काम करता है, अगर नहीं काम करता तो आप मोबाइल फ़ोन लें, और सबसे पहले जो जाली होती है ना, इसमें धूल मिट्टी डस्ट गर्दा भर जाती है, आप इसको निकाल करके अच्छे से क्या करिए, साफ कर लीजिए। जब आप जाली को क्या करेंगे, साफ करेंगे, जैसे आप इसकी जाली साफ कर लेंगे, तो जाली साफ करने से क्या होगा, तो भी आपकी आवाज़ आने लगेगी। अगर मान लिया तुमने जाली साफ कर लिया और जाली साफ करने के बाद फिर भी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती, फिर भी मोबाइल फोन में आपकी आवाज़ साफ सुथरी क्लियरिटी से नहीं आती, अगर जाली साफ करने के बाद, जाली साफ करने के बाद भी आवाज़ नहीं आती, आप मोबाइल फोन क्या करेंगे, खोलें, सबसे पहले स्पीकर को चेक करेंगे। स्पीकर का टेस्टिंग क्या होता है, स्पीकर के दोनों पॉइंट को चेक करेंगे, तो दोनों पॉइंट चेक करने पर बीप देगा। क्या देगा? स्पीकर चेक करने पर अगर बीप देता तो सही, अगर बीप नहीं देता तो खराब। स्पीकर के दोनों पॉइंटों में आप चेक करेंगे।
दोनों पॉइंटों को चेक करने पर बीप देगा। अगर बीप देने पर सही है, नहीं है तो खराब है, फटाफट आवाज दे रहा है तब भी खराब है, कम आवाज दे रहा है तब भी खराब है, स्पीकर को नया लगा दीजिए। आपने स्पीकर नया लगा दिया या स्पीकर सही है उसके बावजूद भी नहीं काम कर रहा है, अब आप स्पीकर के ट्रैक में चेक करेंगे। स्पीकर के ट्रैक में सर जी क्या चेक करेंगे, स्पीकर के ट्रैक में यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं जीआर, यानी ग्राउंड रीडिंग। ये जो वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू समथिंग 300 से लेकर के 600 तक वैल्यू मिलती है। तो दोस्तों ये हमारी वैल्यू कितनी मिलती है? 300 से लेकर 600 तक वैल्यू मिलती है। अगर यहाँ पर चेक करने पर 300-600 वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा ट्रक सही है। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमारा ट्रैक खराब है। अगर यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू मिलती नहीं मिलती तो इसका हमारा ट्रैक खराब होता है। ट्रैक खराब होता है तो हम लोग ट्रैक में चेक करेंगे, इसके ट्रैक में यहाँ पर ऐसे कैपेसिटर लगा है, फिर इसके सीरीज में कंपनी ने क्वाइल लगा दी है, क्वाइल के बाद कैपेसिटर पर सप्लाई होते हुए सप्लाई हमारी चली जाती है आईसी के अंदर। उसके बाद यदि मोबाइल फोन में नीचे वाला ट्रैक खराब होता है तो इसमें वैल्यू नहीं आती तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके ट्रैक में SSM कैपेसिटर लगा है, क्वाइल लगा है, क्वाइल के बाद सप्लाई कैपेसिटर पर जाती है, कैपेसिटर के बाद सप्लाई कहाँ चली जाती है? आईसी के अंदर जाती है। और आपके मोबाइल फोन में स्पीकर काम करता है। अगर आपके मोबाइल फोन में स्पीकर नहीं काम कर रहा है तो स्पीकर ना काम करने पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसके जो ट्रैक में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसके ट्रैक के कंपोनेंट को क्या करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये चेक करेंगे कि अगर इसके लाइन में मान लिया कॉइल खराब है तो कॉइल को हटा करके आप ऐसे जम्पर मार देंगे तब भी काम हो जाएगा, या कॉइल का प्रिंट उखड़ गया, स्पीकर का पॉइंट उखड़ गया तो यहाँ से लेकर के भी यहाँ पर या यहाँ पर जम्पर मार देंगे तब भी आपके मोबाइल फोन में स्पीकर काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में स्पीकर की जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईयर स्पीकर को चेक कैसे किया जाता है, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है। अब मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगा कि इसको प्रैक्टिकली हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, स्पीकर की समस्या को कैसे ठीक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से पूरा सीखेंगे। तो दोस्तों ये सारी वीडियो मैं आपको इसीलिए बनाता हूँ ताकि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिले और मदरबोर्ड में काम करने का तरीका पता चले, ये समझ में आए कि मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना कितना आसान है, कितना आसान तरीके से आपको ईटेक इंस्टीट्यूट में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स आपको सिखाया जाता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर काफ़ी साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं और आज हर एक बच्चे आते हैं पूरा सीख करके जाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, पूरा जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का पूरा कम्प्लीट सफर तय करके जाते हैं, पूरा जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेते हैं, पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, ए से लेकर जेड तक पूरा फुल ट्रेन होकर के जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को समझें, इस वीडियो को वॉच करें, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस टॉपिक को नोट कर रहे हैं तो इसको अच्छे से नोट करें ताकि इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से अगर अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आप चाहते हो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट काम सीखना चाहते हो या उसकी पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से दोनों तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आ करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कम्प्लीट काम आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और ताकि आपको नया नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आप कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप वीडियो कॉल करके दिन में क्लास में कभी भी समझ सकते हैं। जैसे आज मेरे पास फ़ोन आया था, एक उड़ीसा के रहने वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा सेंटर को देखा, फिर उन्होंने बोला कि सर मैं 10-12-15 तारीख तक आ जाऊँगा और अच्छे तरीके से पूरा कोर्स सीख के जाऊँगा, क्योंकि मैं आपकी वीडियो को काफ़ी साल से देख रहा हूँ, 5-6 महीना हो गया, 3 महीना 6 महीना, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इतने सालों से हम वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से हमको सीखने को मिल रहा है, तो अगर हम आपके पास सर आकर के अगर पूरा कम्प्लीट ट्रेनिंग ले लें तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लोग मेरे पास आते हैं, अच्छी तरीके से सीख करके जाते हैं। यहाँ पर हम लोग 45 डेज का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, 45 दिन में पूरा सारे बच्चे लोग सीख जाते हैं। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अपना कानपुर जो रेलवे स्टेशन पड़ता है ना, कानपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 200-300 मीटर दूर पर है, आपका 5-7 रुपये किराया लगता है, या तो आप पैदल भी आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर सागर मार्केट पड़ती है जो मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है, यूपी की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन की मार्केट है, दुनिया जहान का आदमी मोबाइल फ़ोन यहाँ ठीक कराने के लिए आता है। तो आप लोग जब सीखने के लिए आते हो तो आपको काम करने का मौका मिलता है और अच्छा सीखने को
रहता है। कहते नहीं कि कोई भी काम सीखने जाओ अगर उसे गढ़ में सीखते हो तो ज़्यादा फायदा रहता है और ज़्यादा अच्छा रहता है, सीखने में सहूलियत भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर सारा सामान है, सारा टूल्स है, सारे मोबाइल फ़ोन के स्पेयर पार्ट्स हैं, रिपेयरिंग करने के लिए मोबाइल फ़ोन है, चारों तरफ से मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन, सिर्फ मोबाइल फ़ोन का ही काम होता है, तो इसलिए आपको सीखने के लिए बहुत सही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।